इस समय हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ के पास इलाके हजरतगंज चौराहे पर, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वीकेंड का दो दिनों का लॉकडाउन है, आज शनिवार का दिन है, और उत्तर प्रदेश सरकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूछा था कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में सरकार के पास कोई प्लान है कोरोना को रोकने के लिए, लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो महाधिवक्ता हैं, उन्होंने दो दिनों का समय मांगा था कि दो दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार की क्या योजना है कोरोना पर लगाम लगाने के लिए, लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए, उसको लेकर के अपनी कार्य योजना कोर्ट के सामने रखेंगे। उसके बाद से ही जिस तरीके से आज सुबह से ही लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, जगह जगह चौराहों पर बैरिकेडिंग लगी हुई है, हर आने जाने वाले व्यक्ति से उसकी गाड़ी रोक करके पुलिस पूछताछ कर रही है, और ज़रूरत पड़ने पर अगर कोई ज़रूरी कारण नहीं बताया जा रहा है तो उन पर कार्रवाई हो रही है, चालान हो रहा है। वहीं जो अगर कोई मरीज है, अस्पताल जा रहा है, बीमार है, घायल है, तो उसके लिए जो है छूट है। पूरे प्रदेश भर में इसी तरीके से सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस तरीके से आने वाले समय में कोरोना के जो मामले हैं उन पर लगाम लगेगी, कोरोना के पेशेंट कम सामने आएंगे, और ये पूरा जो सरकार का अभियान है कोरोना के मामलों को कम करने के लिए, ये सफल होगा। लखनऊ से डायनामाइट न्यूज़ के लिए जयप्रकाश पाठक।